ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा बिखरा हुआ गार्डन ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी नर्सरी में आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने प्लांट्स का कलेक्शन देख के कि मैंने बिल्कुल भी जीरो खर्च में इतना सारा प्लांट मैंने रेडी किया है और इतने हार्डी प्लांट रेडी किए हैं। कल भी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे थोड़े से प्लांट हमारे डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ना, पेंटिंग से या किसी भी रीज़न से, कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन भी चले जा रहे हो छोड़ के, तो ये जो हार्डी प्लांट है ना, ये देखिए, ये चांदनी है, ये चंपा है, इधर हिबिस्कस है, उधर कनेर है, और ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, देखिए इनका कलेक्शन देखिए। ये इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि दो चार दिन इनको पानी नहीं मिला या इनका जगह चेंज हो गया या कुछ भी, तो शायद इसीलिए तुरंत आके, हालांकि चेक करना पड़ता है आपको कि कौन से प्लांट की क्या हालत है, किसको पानी की ज़रूरत है, किसी को गुड़ाई की ज़रूरत है, तो ये थोड़ा सा आपको करना ही पड़ता है। पर प्लांट आपके बने रहते हैं सालों साल। मेरे गार्डन में कई बार उठापटक हुआ है, पहले तो पूरा कंस्ट्रक्शन का ही काम चला, दो चार साल पहले की बात है, और उसके बाद ये पेंटिंग हुआ, मेरा घर आना जाना होता है, तो तब भी मेरे प्लांट ज्यों के त्यों बने रहते हैं, मेरे को कोई नुकसान नहीं होता है, कभी मेरे प्लांट मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये सारे प्लांट आप ज़रूर ऐड करें। ये देखिए, ग्रीन रशिना हुआ, इधर ये क्रोटोन की वैरायटी हुई, ये देखिए ये कैना लिली की पत्तियाँ इतनी सुंदर लग रही हैं, झुंड में रखे हुए भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं किसी नर्सरी विजिट में निकली हूँ, और पता नहीं कितने सारे कलेक्शन मेरे सामने रखे हुए हैं, मैं ये लूँ या वो लूँ, मतलब कोलियस है, बोगनविला है, इधर मेरे ये देखिए एग्लोनिमा के पूरे कलेक्शन हैं, इधर मेरे अर्डेनियम के कलेक्शन हैं, तो बोगनविला तो अभी खिलना स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, देखिए न्यू न्यू उनमें फुटाव आ रही हैं, मैं पास से जाके दिखाती हूँ। ये देखिए पत्तियाँ एक भी नहीं है, लेकिन सीधे ये रेड कलर की पत्तियाँ इसमें आ रही हैं, ये रिपोर्टिंग का कमाल है, मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने ये बात है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ फ्रेंड अपने गार्डन में। मैंने अपने घर को, मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा गार्डन है मेरे लिए, घर की भी पेंटिंग होनी है, हो भी रही है, तो उधर का मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं रहता है कि मैं संभालना तो मुझे ही है घर का भी, पर गार्डन का मैंने सबसे पहले इसीलिए कराया कि मैं इनको किसी भी प्रकार में, इनको लेके मैं चांस नहीं ले सकती, रिस्क नहीं ले सकती, जल्दी से इनका काम हो, ये जल्दी से अपने अपने जगह पे मैं इनको सेट करूं और मैं फ्री हूं। तो जो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं न्यू प्लांट नहीं लूँगी, वो सीजनल प्लांट, वो भी भैया लोग जो दरवाजे पर ले आते हैं वो मैं ले लूँगी, पर अब मैं कोई प्लांट बढ़ाऊँगी नहीं एक्स्ट्रा। अब देखती हूँ मैं अपने इस बात पे कब तक कायम रहती हूँ, लेकिन ये डिसीज़न मेरे लिए अच्छा है और मेरे गार्डन के लिए भी अच्छा है। मैंने इस बार, बहुत लोगों को अजीब लगेगा कि मैंने अपने दो तीन स्टैंड भी मैंने हटवा दिए अपने टेरेस से, कि ताकि वो स्टैंड का वज़न भी बहुत था, लोहे का जो स्टैंड था, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये तीन मैंने रखे और तीन मैंने निकलवा दिए, तो मेरे को बहुत हल्का लग रहा है कि मेरे छत का थोड़ा सा वज़न कम हुआ और थोड़ा सा स्पेस भी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ये घेरते हैं, क्योंकि ये जो स्टैंड होते हैं ना फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये छोटे छोटे पौधों के लिए होते हैं, छोटे छोटे गमले जिसमें एक क्यूट क्यूट इंडोर प्लांट आप सजा के रख दीजिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के छोटे छोटे गमले, और मेरे प्लांट ठहरे बिल्कुल जंगल वाले झाड़ीदार, तो स्टैंड में वो लोग ठीक से सेट होते भी नहीं हैं और आप अच्छे से उनको सेट करके नहीं रख सकते, इसलिए मैंने तीन निकलवा दिया। अब मैंने बहुत अच्छा किया, अब मैं अपने प्लांट की सेटिंग बहुत अच्छे से इन दीवारों के साइड कर सकती हूँ। इन दीवारों में सिर्फ पूरे स्टैंड ही घेरे हुए थे और उनमें मेरे मन मुताबिक मैं प्लांट नहीं रख पा रही थी जो मुझे रखना है, क्योंकि प्लांट में धूप छाँव का भी ध्यान रखना पड़ता है, हर प्लांट को अलग अलग लोकेशन चाहिए, किसी को मीडियम धूप चाहिए, किसी को सुबह की 2 घंटे की चाहिए, किसी को दिन भर की 4-5 घंटे की चाहिए, किसी को सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए, तो उनके अनुकूल आप पूरे प्लांट को आप जगह देना थोड़ा सा
सोचने वाली बात होती है। तो ठीक है, अब मैं लगने वाली हूँ अपने काम में। तो कैसी लगी मेरी शेयरिंग? मैं बोलती हूँ कि मैं वीडियो के दौरान बहुत गार्डनिंग से जुड़ी काम की बातें आपको मिल सकती हैं, टिप्स मिल सकती हैं, वो आप पे है कि जिसको गार्डनिंग का शौक़ है तो कौन कौन से आइडियाज़ मेरे से ले सकता है वो ले ले, और बस। इसके अलावा मेरा कोई अब इंटेंशन नहीं है, क्योंकि चैनल तो ग्रोथ करता नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं, पर हमारा शौक़ है, हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी जानकारी है, तो और हमारे पास एक चैनल भी है, तो हम और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे चैनल में जुड़े फ्रेंड भी हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको शेयर करें और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें हम भी सीखें। बस इस इंटेंशन से हम अपना चैनल भी चला रहे हैं और अपना गार्डनिंग का काम भी कर रहे हैं। तो ओके फ्रेंड, फिर से बोलूँगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर लें, और अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, बाय।